नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हेल प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से अपना बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कई दिनों बाद आप सबको यूट्यूब पर दिखाई पड़ रहा हूँ, और क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन विशेष थी नहीं, इसी कारण से मैं उपलब्ध था नहीं। और अब क्या है, अपडेट आ चुकी है कुछ विशेष हाई कोर्ट्स की। ओके, तो यहाँ उसी से संबंधित मैं आपको एक सूचना प्रोवाइड करूँगा। और जिन बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है, पहले ये इन्फॉर्मेशन सुन लें, जिन बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है और उन्हें डेमो चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं डेमो सर चाहिए, लेकिन क्लास में आपको डेमो नहीं मिल सकता। एक प्राइवेसी है क्लास की, आप जो भी समझें, लेकिन आपको क्लास की डेमो हमारी क्लास में नहीं मिल सकती। आपको यहाँ मैं इसी इन्फॉर्मेशन के दौरान ही एक डिक्टेशन प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि क्लास लेने के विषय में और क्या किस वाइस में मेरी डिक्टेशन जाती है, तो आप इसी वीडियो के माध्यम से लास्ट में एक डिक्टेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसी के माध्यम से आप एक डेमो मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका राजस्थान हाई कोर्ट से पहले इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी कल की ही न्यूज़ है। राजस्थान हाई कोर्ट से कुछ भर्तियाँ पिछले साल की बची हुई थी और कुछ इस वर्ष की नई भर्तियाँ हैं, दोनों को इंक्लूड करके वैकेंसीज आ चुकी हैं और आज से वो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसका एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट जो है वो दिया गया है, हालांकि कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड दिया गया है कि 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि फॉर्म जो है पहले की तरह अब 1000-2000 फॉर्म नहीं पड़ता, अब क्या है कि 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार फॉर्म या प्लस ही फॉर्म पड़ता है, तो उनके हिसाब से एक दिन में एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा नहीं पाते, इसी कारण से कई शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाते हैं और कई दिनों में एग्ज़ाम करवाते हैं। तो उन्होंने 25 से लेकर 10 सितंबर का डेट निर्धारित किया है, किसी के दौरान एग्ज़ाम होगा, कब किसका होगा ये तो फॉर्म भरने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसी के दौरान पता चलेगा कब किसका है। ओके, लेकिन एक संभावित डेट जो है वो मिल चुकी है, और समय तो बिल्कुल नहीं है, आपको मैंने पहले ही आगाह किया था, टेलीग्राम पर बता रखा है, और बार बार ये बात मैं कहता हूँ कि आप किसी खास एग्ज़ाम को लेकर जो टारगेट करते हैं और उसी के दौरान पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता कि आपके सामने एग्ज़ाम आ गया, अब तक महीने दर महीने आप बैठे हुए हैं, अब आप लग जाते हैं, अब आप एडमिशन लेते हैं, या किसी टीचर से आप कहते हैं कि सर हमारा इस एग्ज़ाम मेरा करवा दीजिए या ऐसी तैयारी करवा दीजिए कि मेरा हो जाए। भाई कोई टीचर क्या कोई गोल या कोई बूस्टअप डोज आपको नहीं दे देगा कि हाँ यही वाला जड़ी बूटी आप इस्तेमाल कर लीजिए और आपका इसमें जो है एक्यूरेसी कम हो जाएगी, आपकी मिस्टेक कम हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ नहीं। ये सारा खेल जो है प्रैक्टिस का है, सारा खेल आपका कंसिस्टेंसी का है, जितना रेगुलर रहेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी पर सारा खेल जो है टिका हुआ है। तो रेगुलर जो हैं उनकी स्पीड और उनकी एक्यूरेसी जो है लगातार बनी हुई है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि समय तो है नहीं, मैं पहले आपको बता रखा हूँ कि फॉर्म इधर आप राजस्थान हाईकोर्ट का फॉर्म सबमिट किए, 10 दिन बाद जो है 10 से 15 दिन बाद जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे वो, तो तैयारी तो जिनकी पहले से है वो तो एलिजिबल है इसमें, जो अब जाके तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद ही सोचेंगे, मैं जान रहा हूँ तमाम बच्चे कॉल करते हैं, मैं तो भाई टीचर हूँ मैं तो देख रहा हूँ, तमाम बच्चे कॉल करेंगे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट कॉल करेंगे बाद में, मतलब जो नए स्टूडेंट हैं वो तो छोड़ दीजिए, जो एक अच्छा डिजर्व करते हैं वो स्टूडेंट इसमें बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि लग करके जो है तैयारी करें, लेकिन वो जो है एग्ज़ाम आने के बाद जो है वो तैयारी के बारे में जो है सोचते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले से ही तैयारी किया करिए, मतलब सामने एग्ज़ाम रहे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट रहे, तो कॉन्फिडेंस आपका हमेशा बढ़ा रहेगा। तो झारखंड, ये तो हुआ राजस्थान के बारे में, और झारखंड हाईकोर्ट का एग्ज़ाम इसी 15 अगस्त के बाद जो है 15 अगस्त के जस्ट बाद जो है एग्ज़ाम होने के चांसेस बने हुए हैं, तो ये संभावना काफ़ी हद तक लगाई जा रही है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट तो अब तो आ ही चुका है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई डेट जो है क्लैश कर सकती है झारखंड हाईकोर्ट के साथ, अगर क्योंकि आप लोग को पता है कि झारखंड हाईकोर्ट में फॉर्म कम नहीं पड़ा है, वो भी एक दिन में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, झारखंड हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट की डेट जो है लगभग कहीं ना कहीं क्लैश करेगी, ऐसा संभावना लगातार जो है लगाया जा रहा है और ऐसा हो भी सकता है। आप लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मे बी कोई ना कोई डेट जो है वो क्लैश करने ही वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम यही अगस्त में ये भी लेंगे, अगस्त में झारखंड हाईकोर्ट भी एग्ज़ाम होगा, और आप लोग को पता है कि ये शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट है, टाइपिंग के बारे में लेकर के आप कॉल करते हैं कि सर टाइपिंग का हमको प्रैक्टिस करवा दीजिए, ये टाइपिंग की क्लास नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास है, और इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले बच्चे जो है, क्योंकि न्यू बैच वाले नहीं है ये,
ये जिन्होंने लर्निंग कंप्लीट कर लिया है उनके लिए क्लास है, उनके बारे में ये क्लास चलती है। लर्निंग के बाद जब स्टार्ट होगी आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको सूचना प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो बच्चे बिल्कुल कॉल ना करें जिनको लर्निंग सीखना है। ओके, तो ये तो हुआ बात झारखंड का। अब बात करते हैं गुजरात का। गुजरात का कुछ दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिला था कि कुछ सीटें जो है लगभग 200 पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रही हैं, लेकिन वो एक पेपर की कटिंग थी। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड किया गया था गुजरात प्रेस कमीशन के द्वारा, लेकिन अब क्या है कि वो वैकेंसी जो है अभी रुकी हुई है। कारण क्या कि वहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र का प्रोसीजर फंसा हुआ है और उससे संबंधित काफ़ी मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ कंक्लूज़न निकल नहीं रहा है। मीटिंग जो है लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हो जाती है इसके बारे में। और आप लोग को पता है कि गुजरात हाईकोर्ट का प्रॉपर जो एग्ज़ाम होना है, अभी प्रॉपर हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम होना है, जो कुछ बच्चे पीए का फॉर्म सबमिट किए थे, अभी वो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट वगैरह इतना लेट करता नहीं है, लेकिन पहली बार गुजरात हाईकोर्ट ने इतना कुछ डिले किया हुआ है, तो कुछ न कुछ टेक्निकल इशू या कुछ वहाँ का पर्सनल इशू है, इसी कारण से एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। तो देखते हैं, लेकिन ये है कि संभावना है कि ये भी गुजरात हाईकोर्ट आपको इसी वर्ष देखने को मिलेगी, ये तो तय है। कभी भी आ सकती है क्योंकि ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा चुका है पहले से ही। तो आपके पास पहली बार 3 एग्ज़ाम ये हो गया। अब इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक वैकेंसी को लेकर के, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई टाइप की पोस्ट आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर ओ की आएगी, ए आर ओ की आएगी और कंप्यूटर असिस्टेंट की आएगी, ए पी एस की आएगी और पी एस की पोस्ट आने की पूरी संभावना बनी हुई है। बस हाईकोर्ट से अप्रूवल मिल जाए। कोर्ट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पूर्ण सहमति दे रखी है। उन्होंने पोस्ट का जो है एक इंफॉर्मेशन सॉरी पोस्ट का जो है एक सीजन जो है पोस्ट को उन्होंने बना भी दिया, एस्टेब्लिश कर भी दिया है। अब ये हाईकोर्ट में एक उठा पटक बनी हुई है कि क्या प्रमोशन के माध्यम से जो पोस्ट पहले की तरह भरी जाती थी क्या वैसे ही पीएस भरे जाएँ या नए रिक्रूट जो है किए जाएँ पीएस के लिए। हालांकि इसका क्राइटेरिया अलग होगा, इसमें सीट भी ज़्यादा होगी शॉर्ट हैंड की और इसमें रिटर्न का भी स्किल कुछ बढ़ाया जाएगा। तो ये तो भविष्य का विषय है क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम होगा, पहली बार ये पोस्ट आ रही है, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ भी कहूँगा नहीं। जो कुछ होगा आपको सूचना टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से बिल्कुल जुड़े रहें, टेलीग्राम को बिल्कुल ना छोड़ा करिए। शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज के नाम से सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं वहाँ जुड़े हुए हैं। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके माध्यम से भी जुड़ जाएँ। ओके, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से, अच्छा इसमें जो एआरओ की पोस्ट आएगी मैं उसको भी एक अनुमान में बता देता हूँ कि लगभग 250 पोस्ट 230 से 240 पोस्ट के आसपास आरओ की पोस्ट आएगी। आरओ की पोस्ट इस वर्ष ज़्यादा है, तो इसी के पास आसपास जो है परसों की मीटिंग में ये कन्फर्म हुआ है। और सरकार ने इस पर सहमति तो बहुत पहले दे रखी है, बस ये क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट सेल में काफ़ी ज़्यादा उठापटक रहती है, इतना आसान रहता नहीं। आप लोग सोचते हैं कि सर प्रोवाइड नहीं कर रहे कोई इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँ, वही बात रेगुलर बताना उचित भी तो नहीं है। देखो मेरा इंटेंशन जो है यहाँ यूट्यूब पर व्यूज़ कमाना नहीं है, नहीं तो मैं रेगुलर यूट्यूब पर कुछ न कुछ उल्टा सीधा लेके पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम बिल्कुल नहीं रहता। किस तरीके से मैं आपके पास समय यूट्यूब दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत निकाल करके कुछ सूचनाएं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक चैनल बना हुआ है तो ठीक है आपको सूचनाएं मिल जा रही हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दिया करें, बहुत सारे बच्चे जो है जिनको जानकारी रहती है वो सूचनाएं आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो नहीं होता उसे मैं बता देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे, एकदम निहायत एकदम वाहियात टाइप के प्रश्न होते हैं। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम वैसे प्रश्न तो ना करिए कि मतलब वही एक ही प्रश्न, कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अरे क्या ये प्रश्न है भाई, जब आएगी तो आपकी तैयारी है, आप अपने आप खुद से पूछें कि आप तैयार हैं जब आ जाएगी। तो अब ये आसान हाईकोर्ट आ गई है, क्या आप प्रिपेयर हैं, क्या है आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, भले 90 वर्ड परमिट उन्होंने कहा है, 90 वर्ड परमिट वो बोलते नहीं है। आप लोग को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है, स्पीड वो डाउन करते हैं, एटमॉस्फेयर वो डिफिकल्ट करते हैं आपको, वहाँ साउंड एटमॉस्फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टाइपिंग वगैरह का होगा ये सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ तरीके से दी जाएंगी, वहाँ इतना आसान होता नहीं। इसी कारण से पिछले वर्ष की 14 पोस्ट जो है बैकलॉग निकल गई है। तो पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। और प्रश्न जो है, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, देखो इसी ग्रुप में आपके टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मेरी जानकारी में कुछ ऐसे मेरे सहपाठी भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं और कुछ नए विद्यार्थी हैं जो बहुत डेडिकेटेड बहुत सेंसियर बच्चे हैं। वो पता है वो टाइमली आते हैं, एक दो दिन बाद आते हैं मैं देखता हूँ, और वो प्रश्नों को बस देखते हैं,
कम से कम ऐसे प्रश्न पूछे जिससे वो भी संतुष्ट हो जाए और उनको भी लगे कि हाँ इसका जवाब जो है मिलना चाहिए। तो जो कुछ सूचना होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, निश्चिंत एकदम बेफिक्र रहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, मैं प्रेडिक्शन पहले ही कर रखा था। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में मैंने टेलीग्राम पे तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ मैंने अपनी क्लास में इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि राजस्थान हाईकोर्ट का सब कुछ सेंक्शन हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है, बस कभी भी आपको राजस्थान हाईकोर्ट देखने को मिल सकती है। और ये देखिए वैकेंसी आपके सामने आ गई। ओके, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गई है। अब मैं आपको पटना की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पटना हाईकोर्ट की। पटना हाईकोर्ट का भी सेम प्रोसीजर चल रहा है। पटना हाईकोर्ट का जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, जहाँ तक संभावना वहाँ से सूचना मिल रही है कि इस वर्ष इसका एग्ज़ाम शायद ही हो जाए। जो भी वहाँ का टेक्निकल इशू है, जो भी वहाँ का पर्सनल इशू है, क्या है कैसे है, ये कोई इन्फॉर्मेशन अभी विशेष तौर पर नहीं मिली है, लेकिन ये है कि इस वर्ष एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रही है। उसके पहले इस सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के पहले पटना हाईकोर्ट का एक फॉर्म आने वाला है। पटना हाईकोर्ट प्रॉपर स्टेनोग्राफर और पीए की अलग अलग पोस्ट आने वाली है। कितनी पोस्ट आने वाली है इसके बारे में मैंने क्लास में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पे तो भाई मैं उस चीज़ को नहीं एक्सपोज करूँगा क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पर मैंने सूचना इसके प्रोवाइड कर रखी कि कितनी सीटें आ रही हैं, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, सारा पैटर्न मैंने बता रखा है वहाँ पर क्लास में। तो क्लास के लिए बिल्कुल डिले ना करें, मैं यही कहूँगा कि क्लास को लेकर के आप 2 पैसे 4 पैसे बचा रहे हैं, जो देखिए ये गलत जगह आप नहीं बचा, ये जो है गलत जगह पैसा नहीं लगा रहे हैं। पढ़ाई में इन्वेस्ट करना ये आप ही के लिए, भविष्य के लिए ही तो सुरक्षित कर रहा है आपका पैसा। कहीं और इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए। अभी इस उम्र में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कब करेंगे, और इतनी फीस आपकी नहीं रखी गई है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मैं देख रहा हूँ, आप जा करके 2-2 3-3 4-4 सौ वाली भी क्लास है, आप करके देखिए आपको क्या बताया जाता है, क्या डिक्टेट किया जाता है। और यहाँ के बच्चे जो डिक्टेट करके लिखते हैं उनकी स्पीड देख लीजिए, वो कैसा मैटर लिखते हैं, किस टाइप का मैटर लिखते हैं। बहुत वेरिएशन दिया जाता है क्लास में, आपके साथ लगा जाता है, जैसे आप लगते हैं उसके साथ मेरा भी डेडिकेशन वैसे ही रहता है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए पहली बात तो मेरी रात वाली क्लास बिल्कुल लगभग लगभग फुल हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस बचा नहीं है। जो 8 बजे से लेकर के 10 बजे की क्लास चलती है तो उसमें तो स्पेस बचा नहीं है। अब एक बैच मेरी 5 बजे की चलती है, ठीक है, 5 बजे की बैच चलती है, उसमें चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं, 5 बजे वाली बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें स्पीड डाउन है, मैं यही पहली बात यही कहूँगा कि इसमें स्पीड डाउन है। उसमें आपको 100 के आसपास के डिक्टेशन मिलेगी, वो बैच आपकी चलती है लगभग 5 से लेकर के 6:30। ओके, 5 से लेकर के 6:30 या मैक्सिमम 7:15 तक चलेगी वो बैच। ओके, तो चाहे तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि रात वाली बैच में लगभग एडमिशन फुल हो चुका है। एडमिशन के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे एक दिखाया जा रहा है, या मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ, 6386350240 6386350240, इसी पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। डेमो के लिए मैं अभी आपको एक डिक्टेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप डेमो ले लें, डेमो क्लास में बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ आपको लीगल में डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले पटना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप समझ लें। मैंने आपको थोड़ा बहुत बता रखा है, लेकिन अभी भी जान लें कि पटना हाईकोर्ट से सब कुछ रेडी हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ से भी जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और सारा एग्ज़ाम बिल्कुल सामने आएगा। इसी वर्ष 2023 में आपको लगभग जितने भी हाईकोर्ट हैं, उससे पहले जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फॉर्म सबमिट किया है, वो भी एग्ज़ाम सामने ही है। तो आपको राजस्थान, झारखंड, गुजरात, इलाहाबाद, पटना और छत्तीसगढ़, मतलब 6 राज्यों से आपको एक साथ एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसी दौरान मुंबई हाईकोर्ट आएगी, तो हालांकि मुंबई हाईकोर्ट वाले बहुत बच्चे हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पर डोमिसाइल का एक कॉन्सेप्ट फंसा हुआ है। उत्तराखंड भी वही हाल है, मद्रास का भी वही हाल है। तो इन सब जगह जो है अभी वैकेंसी का इतना प्रोसीजर बना हुआ नहीं है और उस टाइप के बच्चे है भी नहीं जहाँ वहाँ जाके एग्ज़ाम दें। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मद्रास हाईकोर्ट से, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, बेफिक्र रहिए। वहाँ पर भी अपने स्कॉलर हैं, वहाँ भी अपने स्टूडेंट वहाँ पे सिलेक्शन पाए हुए हैं, तो उनके माध्यम से मैं आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा अगर वहाँ से सीटें आती हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, कोई प्रश्न करने से पहले उसको एक बार सोच लीजिएगा कि क्या आप, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ क्या ये वाजिब प्रश्न है, उसको खुद से सर्च किया करिए। आपकी भी एक सिंसियरिटी है, आप उसको एक्सपोज मत किया करिए कि एकदम से मैं बेकार स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। आप भी एक सिंसियर, मैं आपको मानता भी हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे प्रश्न, अब कल किसी ने पूछा, देखिए मैं टेलीग्राम पे, उस पर क्या नाम है, यूट्यूब पे, कि कब से फॉर्म सबमिट होगा राजस्थान का। अब ये कैसा प्रश्न है बताइए, आपको टेलीग्राम पे दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है,
क्या आप अपने लिए जो है इतना काम नहीं कर सकते? सब कुछ पका पकाया आपको मिल जाए, वही आप खाना चाहते हैं। थोड़ा मेहनत करिए, स्टूडेंट हैं आप, ये आपका दौर जो है मेहनत करने का है, और इसमें आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरे सामने ही आ जाए। आपको पता है कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है हमारा। चलें फिलहाल ये सब जो है विषय यहाँ चर्चा करने का नहीं है। मैं आपको एक डिक्टेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, डेमो डिक्टेशन है ये, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी स्पीड जो है 100 और 110 के आसपास की मैं रख रहा हूँ, और ये मैटर जो है लीगल है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई प्रश्न होगा तो आप जा करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जरूर जाइएगा, शॉर्ट हैंड लय प्रयागराज के नाम से सर्च करिएगा। ओके चले, बी रेडी। स्टार्ट। द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर दैट द रिस्पोंडेंट वॉज वर्किंग एज अ परमानेंट टाइपिस्ट एट द इलाहाबाद ब्रांच ऑफ द प्लांट न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एलिजिंग दैट ही हैड अनऑथराइजली रिमेंड एबसेंट फॉर मोर देन 600 days, अ चार्जशीट वॉज इशूड। एन इंक्वायरी ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट द रिस्पॉन्डेंट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस बाय ऑर्डर डेटेड 15/6/1985। Thereafter, a dispute was raised and the reference was made. The tribunal came to hold that during the period in question, the respondent was suffering from tuberculosis and he had applied for medical leave. And since the management did not pass any order on his leave applications, the concerned workman cannot be held responsible and therefore, he was not absent unauthorizedly from duty. Accordingly, the order of removal was set aside. An order was passed directing reinstatement with full back wages and consequential benefits, including continuity of service. The same was challenged before the High Court. By the impugned order, the High Court observed that though the respondent had remained absent, his absence with leave stood condoned by virtue of the later dated 3/8/1984 issued by the branch manager of the plant company by which the respondent was called back to work. It was further observed that the tribunal had also recorded that the management did not pass any order on the leave application and therefore it had to be implied that leave had been sanctioned. But it was noted that by virtue of a stay order passed in a writ petition, the proceedings before the tribunal had remained stayed for about 6 years and therefore the respondent was not entitled to back wages for the whole period but was entitled from 28/1/1998, that is from the date of the award. A letters patent appeal was filed before the division bench of the High Court, which dismissed, holding the same to be not maintainable. Learned counsel for the appellant submitted that there was no condonation of the absence of the leave as has been noted by the tribunal and the High Court. On the contrary, in the letter in question, it has categorically stated that the prayer for leave, even without pay, cannot be granted. Therefore, he was directed to join the duty immediately, and failing which, it was to be presumed that he was not interested in the job, and it shall also be presumed that he had abandoned the job. It was also pointed out that with a view to test the correctness of the stand that respondent was ailing, the deputy medical officer was sent to the house of the respondent along with a senior officer, but the respondent was found absent and it was gathered
दैट ही वॉज हेल एंड हेल्दी। विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट रूल्स इट इज सबमिटेड दैट देर वॉज नो स्कोप फॉर क्लेमिंग लीव एज मैटर ऑफ राइट एंड सिक लीव कैन ओनली बी ग्रांटेड ऑन सर्टेन कंडीशंस बींग फुलफिल्ड विच वर नॉट फुलफिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट फुल स्टॉप। तो यही क्लास की डेमो है, ऐसे ही आपको डिक्टेशन रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा, देख लें कैसे आपके लिए आपको क्या करना है, सब कुछ आपको तय करना है। ओके, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो क्लास तक जुड़े रहने के लिए।